एंड अभी ये बहुत सही मौका है सोल के पास, अगर अभी एग्रेस कर देते हैं तो यहां से कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स रीप करके लेके जा सकते हैं। बट अभी यहां पे सोल के एक प्लेयर, सोल प्लेयर टू डाउन करते जाएंगे, फोर किंग्स प्लेयर है स्पॉट करे जा चुके हैं, एक प्लेयर डाउन हो जाएगा, प्लेयर वन वहां पे देखिए कितना घमासान दिखाते हुए नजर आएंगे, चार पिक्स निकालते चले जाएंगे। सोल के खिलाड़ी रुकने नहीं वाले, फोर किंग्स पूरी की पूरी टीम दिक्कतों में फंसती हुई नजर आई, हालांकि दो खिलाड़ी डाउन जरूर से है, रिवाइवल अनिवार्य रहेगा, बट थॉर के ऊपर भी लगातार शॉट्स आ रहे हैं, बाकी से रोटेशन दी जा रही है। सोल के प्लेयर क्या पूरी तरीके से फोकिंग की टीम को बाहर कर पाएंगे? जी नहीं, वहां पे एक के बाद एक सोल के प्लेयर्स को भी डाउन करा जा रहा है, क्योंकि ईएसएन एक थर्ड पार्टी के साथ आई है एंड वो थर्ड पार्टी कितनी भारी पड़ सकती है, सोल के पास हीलिंग्स नहीं है एंड ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है सोल के प्लेयर्स को। प्लेयर वन नॉक्ड आउट है, उनको रिवाइवल देना भी अनिवार्य, बट सोल प्लेयर नंबर फोर भी डाउन हो चुके हैं। अब सारा का सारा दारोमदार प्लेयर टू पे आ चुका है, बट प्लेयर टू को भी डाउन करा जाएगा फोर किंग्स। थॉर काफी अच्छा गेम, बट गन स्टोरी के बीच में फंसते हुए नजर आए फोर किंग के प्लेयर्स वहां पे।